verified study also. Look, it was recommended, but it might be a case of oversight. Sometimes everything is not carried out. हाल ही में एक बहुत बड़ी खबर आई है. एनसीईआरटी ने साइंस की टेक्स्ट बुक्स में से कुछ की कंसेप्ट्स और सेगमेंट्स, खासकर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन और पीरियोडिक टेबल हटा दिए हैं. इंडिया में धर्मनिरपेक्षता और साइंटिफिक सोच की मौत की घोषणा करने के लिए यूजुअल सस्पेक्ट्स ने सोशल मीडिया का सहारा लिया. इस स्टोरी को पूरी दुनिया में और अल जजीरा, ड्यूज वेल एंड द नोटेड साइंटिफिक जर्नल नेचर में अटेंशन मिली. पर सही मायनों में चिंता का विषय क्या था? एक अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन जो सोशल मीडिया से मिली और फिर उसे मेन स्ट्रीम मीडिया पर दिखा दिया गया. एक के बाद एक ये खबर बढ़ती ही गई, जिसने गलत इंफॉर्मेशन फैलाई और लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट की. इस खबर ने ना ही सिर्फ एनसीईआरटी की रेपुटेशन पर इफेक्ट किया, साथ ही साथ देश के एजुकेशन सिस्टम पर भी सवाल उठाया. गवर्नमेंट पहले से ही एजुकेशन सिस्टम की जो नेगेटिव छवि बनी है उसको ठीक करने की कोशिश में जुटी है. अभी हाल ही में हुए कुछ डिबेट्स में डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पर क्वेश्चन उठाया, जिसे करिकुलम में ऐड करना चाहिए. रैशनलिज्म के पीछे का फैक्ट क्या था? टेक्स्ट बुक्स को अपडेट करना एनसीईआरटी का रेगुलर प्रोसेस है, पर ये समझना जरूरी है कि ये चेंजेस रैंडम नहीं होते हैं. ये चेंजेस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में किए जाते हैं. टेक्स्ट बुक्स को देश के एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम रिवाइज किया जाता है. इस मामले में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 ने पथ प्रदर्शन किया था. कंटेंट लोड को करें और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के लिए क्रिएटिव माइंडसेट के साथ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें. पेंडेमिक के दौरान टीचिंग टाइम का लॉस हुआ और लर्निंग में भी हानि हुई, जिससे स्टूडेंट्स पर लोड बढ़ गया. ये कंसर्न पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन की तरफ से भी एक्सप्रेस किया गया था. इसलिए स्टूडेंट्स के लॉस को पूरा करने के लिए रैशनलिज्म का प्रोसेस किया गया. क्रिटिक्स की तरफ से क्या कंसर्न रेज किए गए? इसमें आरोप लगाया गया है कि कंटेंट में चेंजेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं और इसका पर्पस इंडिया के इतिहास, संस्कृति और डिवर्सिटी से ऐसे कुछ पहलुओं को मिटाना है जो शासन की विचारधारा से ऑपोजिट हैं. इसमें कहा गया है कि इस प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी की कमी है और टीचर्स, स्टूडेंट्स जैसे हितधारकों के साथ परामर्श नहीं किया गया है. अब सरकार का इसमें क्या दृष्टिकोण है? पीरियोडिक टेबल को कंटेक्स्ट से नहीं हटाया गया है, बल्कि इसे क्लास 11 की टेक्स्ट बुक में यूनिट 3 में इंक्लूड किया गया है. डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को काफी डिटेल में क्लास 12 की टेक्स्ट बुक्स के छठे चैप्टर में कवर किया गया है. क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस की टेक्स्ट बुक्स में मौलाना आजाद के चैप्टर को हटाना रैशनलाइजेशन का प्रोसेस नहीं है. कंक्लूड करें तो चेंजेस को तभी अप्रिशिएट करना चाहिए जब वो किसी फैक्ट्स पर बेस्ड हो. गलत अफवाहों से, ट्रांसपेरेंसी के अभाव से ऐसे प्रोसेस कमजोर हो जाते हैं. आशा है कि आपको रैशनलाइज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिली. देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए अपने AM News चैनल को. धन्यवाद.